फ्रेंड्स दिस इज द न्यू 2023 हीरो एक्सपल्स 204B E20 मॉडल और इस बाइक में काफ़ी सारा अपडेट आ चुका है। 9 से 10 अपडेट तो मैं यूं ही आपको बता दूंगा क्या क्या अपडेट है, बाकी मैं इस बाइक का एक फुल डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू करने वाला हूँ 2023 में। इसमें आपको क्या क्या नया अपडेट देखने को मिलता है, कितना ऑन रोड प्राइस है, कितना माइलेज आपको इस बाइक से मिल सकता है, कितना वेरियंट के साथ आ रहा है, उसके साथ साथ कितना कलर स्कीम के साथ आ रहा है, तो सारा डिटेल्स मैं इस वीडियो के दौरान आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और वेरी स्पेशल थैंक्स टू हाईटेक हीरो कस्बा। आप अगर वेस्ट बंगाल के रहते हो तो डेफिनेटली आप हाईटेक हीरो कस्बा में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शोरूम का सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको फ्रंट में जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो है इसका हेडलाइट सेटअप। तो अभी ये जो आप देख पा रहे हो ये है आपका एक्सपल्स 204B। यहाँ पे 4 बल्ब का स्टिकरिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और ये आपका E20 अपडेट के साथ आ रहा है। तो E20 फ्यूल अभी आप एक्सपल्स 204B में डाल सकते हो। उसके साथ साथ इसका जो इंजन आप देख पा रहे हो EBS6 फेस 2 कंप्लाइंट हो चुकी है। उसके साथ साथ इसमें OBD2 का भी अपडेट मिल चुका है। तो हेडलाइट सेटअप में जो बदलाव की गई है वो है इसका जो हेडलाइट सेटअप है एक्चुअली ये पूरी तरीके से बदल चुकी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे LED DRL आपको दिख रहा होगा। इधर आपका रिफ्लेक्टर हेडलाइट सेटअप यहाँ पे देखने को मिलता है ऊपर वाला जो है हाई बीम में, और नीचे में आपको दो क्यूब प्रोजेक्टर LED हेडलाइट सेटअप यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं ओल्ड 204B का हेडलाइट सेटअप दिखाऊँ तो ओल्ड 204B का जो हेडलाइट सेटअप है वो आपको पूरा ही ऑल LED रिफ्लेक्टर के साथ आता था, और अभी जो है इसका लाइटिंग थ्रो काफ़ी हद तक जो है बढ़ चुकी है। और क्या क्या अपडेट है, इसका जो फुटपेग है ये मतलब इसका जो राइडिंग अगोनॉमिक्स है वो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुकी है, क्योंकि पहले इसका जो फुटपेग का पोजीशन था थोड़ा ऊपर की साइड आता था, अभी इसको थोड़ा नीचे कर दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे अपडेटेड लगेज माउंट बेसिकली यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हो ये दोनों पोर्शन का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाया गया है। उसके साथ साथ इसमें आप लगेज वगैरह जो है इसमें बांध सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ ये तो E20 कंफर्टेबल हो चुकी है। और भी काफ़ी सारा अपडेट है, लाइक यहाँ पे आपको ये जो नकल गार्ड दिख रहा होगा ये पूरी तरीके से बदल चुकी है। इसमें अभी आप देख पा रहे हो इसमें एक मेटल का पार्ट दिया गया है, और उसके साथ साथ इसमें आपको काफ़ी तगड़ा सा प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। पहले ये डिफरेंट नकल गार्ड के साथ आता था। उसके साथ साथ इसका जो विंडस्क्रीन आप देख पा रहे हो, सामने जो फ्लाई स्क्रीन आप देख पा रहे हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। पहले आपको काफ़ी ज़्यादा विंड ब्लास्ट का सामना करना पड़ता था, अभी इसका जो विंडस्क्रीन है आप देख पा रहे हो कितना हद तक जो है बढ़ा दिया गया है। पहले इसका जो विंडस्क्रीन था ना बहुत ज़्यादा छोटा था, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। उसके साथ साथ यहाँ पे ये नकल गार्ड भी देख पा रहे हो, ये उतना ज़्यादा स्टडी नहीं था, बट अभी इसमें मेटल का प्रोटेक्शन दिया गया है। और क्या क्या अपडेट है चलिए एकदम पूरा डिटेल वॉक अराउंड इसका शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वेरिएंट आपको और एक नया वेरिएंट देखने को मिलता है, ये है आपका एक्सपल्स 204B और एक है एक्सपल्स 204B प्रो मॉडल। तो प्रो मॉडल में बेसिकली उसका एडजस्टेबल सस्पेंशन है और भी काफ़ी सारा फीचर्स आपको वो प्रो मॉडल में देखने को मिलेगा। एक्सपल्स 204B प्रो मॉडल अभी शोरूम पे अवेलेबल नहीं हुआ है, जैसे अवेलेबल होगा तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अच्छा, इसका जो कलर स्कीम है ना, कलर स्कीम भी बदल चुकी है। अभी इसमें आपको टोटल 3 कलर स्कीम देखने को मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर कलर स्कीम आप देख पा रहे हो इसका नाम है टेक्नो ब्लू। इसको छोड़ के और 2 कलर स्कीम आता है, ब्लैक स्पोर्ट्स रेड और मैट नेक्सस ब्लू। तो तीनों कलर स्कीम का फोटो आपका स्क्रीन पे अभी आपको दिख रही होगी। प्राइस की अगर बात करें तो अभी इसका प्राइस चल रहा है 1,43,516 रुपीज अप्रोक्स एक शोरूम कोलकाता प्राइस, और ऑन रोड प्राइस की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 1,73,000-1,74,000 के आसपास आपको कोलकाता में इसका ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाएगा। बाकी चलिए इसका डिटेल वॉक अराउंड की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चाबी से ही यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो चाबी एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। चाबी यहाँ पे आप देख पा रहे हो हीरो के ब्रांडिंग के साथ नॉर्मल की मिलता है, कोई भी वेब की आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। इग्निशन आप यहाँ पे जैसे ही ऑन करते हो, अच्छा इसमें ना और भी अपडेट है, और क्या क्या अपडेट है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बदल चुकी है उसमें क्या क्या नया अपडेट आया है वो मैं दिखाऊंगा। USB चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे इंक्लूड हुआ है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। जैसे आप इग्निशन को ऑन करते हो फर्स्ट सामने में इसका 2 LED DRL आपको यहाँ पे जलता हुआ देखने को मिलेगा, और मेन जो हेडलाइट सेटअप है वो है आपका यहाँ पे क्यूब LED प्रोजेक्टर सेटअप। उसके साथ साथ ऊपर में आपको रिफ्लेक्टर हेडलाइट सेटअप दिया गया है, जो रिफ्लेक्टर LED हेडलाइट सेटअप है। एक्चुअली मैं इसको एक बार स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। तो ये आप देख पा रहे हो अभी इसका लो बीम ऑन है, सॉरी इसका लो बीम अभी तक ऑन नहीं हुआ है। अब जैसे बाइक स्टार्ट करोगे फर्स्ट इसका जो DRL है और भी ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। बेसिकली दिन के टाइम पे आप आराम से DRL को जला के चला सकते हो। और यहाँ पे जो स्विच कंसोल है, स्विच कंसोल में आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये अभी DRL मोड पे है, आप अगर थोड़ा सा ऊपर स्विच दबाओगे ये अभी चला जाएगा इसका मेन हेडलाइट सेटअप पे। मतलब इसका जो क्यूब LED प्रोजेक्टर है वो अभी इसका ऑन हो चुका है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो।
अभी मैं इसका हाई बीम ऑन कर रहा हूँ, ये देख सकते हो ये है इसका हाई बीम। और पहले से इसका जो हेडलाइट सेटअप है मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो चुका है। उसके साथ साथ अटेंशन टू डिटेल आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हीरो का 3D बैजिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बल्ब ब्लिंकर सभी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। उसके साथ साथ एक बार फिलहाल के लिए अच्छा एक बार मैं आपको एग्जॉस्ट नोट इसका सुना दे रहा हूँ पहले ही। इसका जो रिफाइनमेंट है ना काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, इसका एग्जॉस्ट नोट में भी थोड़ा सा मेरे को बदलाव सुनने को मिल रहा है, और गाड़ी में वाइब्रेशन पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। विंडस्क्रीन यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, तो प्रॉपरली विंड ब्लास्ट से जो है आपको प्रोटेक्ट करने वाला है, यहाँ पे आपका बाइक का नंबर प्लेट फिट होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको व्हील दिख रहा होगा सामने में आपको लॉन्ग ट्रैवल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दी गई है। उसके साथ साथ फोक गेटर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और ये सिंगल चैनल ABS के साथ ही अभी तक आता है। तो फ्रंट में यहाँ पे आपको 276 mm का पेडल डिस्क मिलता है, ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का ब्रांडिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सिंगल चैनल ABS है, फ्रंट में आपको सिर्फ ABS मिलेगा। टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो 90x90 21 inches का ट्यूब टायर यहाँ पे आपको मिलता है। C8 का टायर यहाँ पे दिया गया है। ट्यूब टायर क्यों है, क्योंकि ये स्पोक व्हील के साथ आता है, तो यहाँ पे आपको ट्यूब टायर ही मिलेगा। तो फ्रंट में आपको 21 इंचेस का व्हील मिलता है। उसके साथ साथ 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। माइलेज की अगर बात करें तो आराम से आपको 40 km/h के आसपास माइलेज इस बाइक से मिल सकता है आप अगर सही से चलाते हो। कलर स्कीम जो है थोड़ा डिफरेंट हो चुका है, और ये जो ब्लू कलर आप देख पा रहे हो ये पूरा ही मेटालिक कलर है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। वैसे यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड टैंक पैड देखने को मिल जाएगा, और ये अभी E20 फ्यूल को सपोर्ट करने वाला है, तो E20 फ्यूल अभी आप इसमें डाल सकते हो। नॉर्मल फ्यूल से भी ये बाइक चल सकता है। डायमंड टाइप फ्रेम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ इंजन कैपेसिटी की अगर बात करें तो इसमें आपको 199.6 cc सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल BS6 फेस 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड 4-valve इंजन देखने को मिलता है, जिसमें आपको 18.9 bhp मिलता है और 17.35 Nm का टॉर्क मिलता है। 5-speed गियरबॉक्स के साथ आता है। किक स्टार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्रोग्राम डिफाई का स्टिकरिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 4-valve का ब्रांडिंग यहाँ पे करा गया है। एक्सपल्स 200 का ब्रांडिंग आपको साइड पे यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड क्रैश गार्ड दिख रहा होगा, कैटेलिटिक कन्वर्टर, और ये सिंगल हॉर्न के साथ आता है। इसका जो ऑयल कूलिंग सिस्टम है काफ़ी बड़ा है, और पहले से इसके ऊपर में जो है प्रोटेक्शन लगा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लगभग 8 फिन ऑयल कूलिंग सिस्टम आपको यहाँ पे दिया गया है। नीचे में आपको प्रॉपर मेटल का इंजन बेस्ट प्लेट दी गई है, तो डेफिनेटली आपका जो गाड़ी का इंजन है वो काफ़ी हद तक जो है प्रोटेक्टेड है। वैसे इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है इनफ है, 220 mm का इस बाइक का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। उसके साथ साथ इसका जो सीट हाइट है 825 mm इस बाइक का सीट हाइट है। वेट की अगर बात करें तो 159 kg इस बाइक का वेट है। बाकी फुटपैक वगैरह आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पिलियन के लिए आपको नॉर्मल फुटपैक मिलता है, लेकिन राइडर का जो फुटपैक है वो आपको ऑफ रोडिंग फुटपैक, यहाँ पे ऑफ रोडिंग लीवर भी दिख रहा होगा। और यहाँ पे एग्जॉस्ट का नोट मैं आपको ऑलरेडी सुना चुका हूँ, एग्जॉस्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हो। हीरो का ब्रांडिंग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इधर भी हीरो का स्टिकरिंग दिया गया है। उसके साथ साथ सीट कंफर्ट की अगर बात करें तो सीट डेफिनेटली कंफर्टेबल है। डुअल टोन कलर फिनिश में सीट मिलता है, वही सीट आपको पुराना वाला सीट ही देखने को मिलता है, जिसका जो फोम और पैडिंग जो है काफ़ी हद तक जो है बढ़िया है। मेरे दोस्त के पास भी एक्सपल्स 204 भी है, पुराना वाला 2022 मॉडल वाला, काफ़ी हद तक जो है इसका सीट जो है बढ़िया है। यहाँ पे आपको पीछे में टॉप ब्रैक भी दिख रहा होगा, इधर ग्रैब रेल भी दिख रहा होगा। उसके साथ साथ पीछे में आपको यहाँ पे बॉक्स कटिंग स्विंग आर्म देखने को मिलता है। रियर में जो सस्पेंशन मिलता है वो है आपका 10-step प्रीलोड एडजस्टेबल सस्पेंशन, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एंड्योरेंस का सस्पेंशन यहाँ पे यूज़ करा गया है, और ये 10-step तक आप एडजस्ट कर सकते हो। सारी गार्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और इसका जो चेन है फुल्ली ओपन है, तो चेन को आपको थोड़ा बहुत मेंटेन करना पड़ेगा। इसमें आपको कोई भी मिडिल स्टैंड नहीं देखने को मिलता है। साइड स्टैंड विथ साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर देखने को मिल जाएगा। और रियर जो डिस है आपका 220 mm का आपको यहाँ पे पेतल डिस मिलता है। निशिन कैलिबर के साथ सिंगल चैनल ABS के साथ आता है। उसके साथ साथ रियर टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो यहाँ पे C8 का ही टायर मिलता है। 120x80 18 का आपको यहाँ पे ट्यूब टायर मिलता है, क्योंकि ये स्पोक व्हील के साथ आता है। यहाँ पे आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश पूरा रिम दिया गया है, और टायर पैटर्न आप देख पा रहे हो पूरा बड़ा बड़ा गुड्डी यहाँ पे आपको टायर के ऊपर दिख रहा होगा। और यहाँ पे आपको LED टेल लाइट भी मिलता है विद बल्ब ब्लिंकर्स। नंबर प्लेट का लाइट जो है वो आपको यहाँ पे बल्ब में मिलता है। रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बाकी पीछे से इस बाइक का लुक आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और हैंडल बार की अगर बात करें तो हैंडल बार आपका वही है, आपको सिल्वर फिनिश में हैंडल बार दी गई है। बट इसका जो स्विच कंसोल वगैरह है पूरी तरीके से चेंज कर दी गई है, तो इसी में आपको इंजन किल स्विच स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिल जाएगा। इधर है आपका DRL मेन हेडलाइट ऑन ऑफ करने का स्विच दिया गया है, हाई बीम भी इसी में मिल जाएगा। इधर है आपका डिपर बटन, यहाँ पे इंडिकेटर का स्विच, और एक बार हॉर्न भी सुन लेते हैं। हॉर्न जो है डेफिनेटली लाउड है,
क्लच की अगर बात करें तो 200cc वाइज विदाउट एनी स्लिप एंड असिस्ट क्लच, डेफिनेटली लाइट क्लच है। मिरर भी सही है, मिरर में आपको जैसा बाइक का कलर है उसके हिसाब से यहाँ पे डुअल टोन कलर फिनिश में आपको मिरर देखने को मिल जाएगा। अच्छा, कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड USB चार्जिंग सॉकेट भी दी गई है, जो आपको पहले नहीं देखने को मिलता था, और ये काफ़ी अच्छी जगह पे यहाँ पे दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इसमें थोड़ा अपडेट देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे दिया गया है। एक बार ऑफ करके ऑन करके आपको दिखा रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। इधर है टैकोमीटर, इधर गियर पोजीशन इंडिकेटर, इधर स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपका टाइम शो कर रहा है, ओडोमीटर, कितना किलोमीटर के बाद आपका बाइक को सर्विस कराना है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका बाइक का फ्यूल गेज शो कर रहा है। इधर है आपका ट्रिप 1 ट्रिप 2, इसी में आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये आप टॉगल करके देख सकते हो। जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है, तो ब्लूटूथ से जब आप पेयर करोगे तब इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, मिस कॉल अलर्ट, कॉल अलर्ट, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप इकोनॉमिकली चलाओगे यहाँ पे आपको लाइट जलता हुआ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, पहले एक्सपल्स 204B में आपको नहीं देखने को मिलता था, यहाँ पे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी अभी आपको देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे ABS का मोड दिया गया है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें सिंगल चैनल ABS ही मिलता है, तो यहाँ पे जो ABS देख पा रहे हो ये पीछे का ABS ऑन ऑफ करने का कुछ ABS का सिस्टम ये है ही नहीं। रोड ABS मतलब इसका जो ABS है वो रोड के हिसाब से रहेगा, ऑफ रोड मतलब इसका जो ABS है सेंसिबिलिटी एक्चुअली कम ज़्यादा वो आपको ये ऑफ रोड एंड रैली मोड में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। सेंसिबिलिटी का बात है, बाकी पीछे में तो ABS नहीं मिलता है, तो ऐसा बात नहीं है कि आप अगर रैली मोड या फिर ऑफ रोड में डाल दोगे तो पीछे का ABS बंद हो जाएगा। भाई पीछे में ABS है ही नहीं, पीछे का ABS कैसे बंद होगा? तो ये सेंसिबिलिटी है, मतलब आप जैसे ऑफ रोड मोड पर चलाओगे तो ABS का जो सेंसिबिलिटी है और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, आप अगर रोड मोड पर चलाओगे तो सेंसिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ऐसा सेंसिबिलिटी का सिस्टम है। यहाँ पे टेल लाइट्स की अगर बात करें तो वो भी एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्या क्या मिलता है। ऊपर में आपको साइज 10 इंडिकेशन मिलता है, इधर है आपका रिजर्व लाइट, इधर है आपका हाई बीम का सिग्नल, यहाँ पे न्यूट्रल का सिग्नल, ABS का सिग्नल, यहाँ पे इंडिकेटर का सिग्नल, और यहाँ पे आपका इंजन माल फंक्शन मेनू और सिलेक्ट बटन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बाकी जो है गाड़ी में यही चेंजेस करा गया है। बाकी आपको अगर इस बाइक को ख़रीदना है, आप अगर वेस्ट बंगाल के रहते हो तो डेफिनेटली आप हाईटेक हीरो कस्बा में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शोरूम का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये अपडेट आपको कैसा लगा आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा। और इसका राइड रिव्यू जो है मैं जितना जल्द हो सके शोरूम से परमिशन लेके आपके साथ इसका राइड रिव्यू भी शेयर करूंगा कि अभी E20 मॉडल चलाते हुए मेरे को कैसा फील हो रहा है। अभी मैं शोरूम पर बात किया था लेकिन शोरूम से परमिशन नहीं मिला, जैसे परमिशन मिलता है तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। बाकी आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग सेफ रहे। टाटा गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।